नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक क्वेश्चन कि डीमैट अकाउंट कहाँ पे खुलवाया जाए। तो ऐसे ही एक डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जिनका नाम है फायर्स, और ये काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हाई मार्जिन के साथ। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एडवांस चार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है फायर्स 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखिएगा, फायर्स 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज एक्चुअली में है क्या। तो देखिएगा, अगर आप फायर्स में क्या करते हैं, लगातार 30 ट्रेडिंग डेज में अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो ना केवल आपको प्रॉफिट मिलता है, इसके अलावा आपको 30 डेज की जो ब्रोकरेज होती है वो पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाती है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि आपको पता है कि आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तो इससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, और मोटिवेट करने के लिए आपको ब्रोकरेज जो है 30 डे की वो क्या होती है रिफंड हो जाती है। आपको जो मैक्सिमम ब्रोकरेज यहाँ पे मिलता है वो मिलता है रिफंड में 10,000, और आपको इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है फायर्स की तरफ से जो कि एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट है जो आपके में एक क्वालिटी जनरेट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। तो अगर आप यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, तो बात को शुरू करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट निफ्टी के लेवल से। तो देखिएगा, अभी तक अगर आप देख रहे थे तो पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी में काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले, काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली, काफ़ी अप्स एंड डाउन देखने को मिले, बट द एंड ऑफ द वीक फ्राइडे सेशन को एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको निफ्टी 11,000 भी काटता हुआ देखने को मिले। तो देखिएगा, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो इस वीडियो में आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। तो देखिएगा, अब तक निफ्टी देखिएगा काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रही थी, बट आपको कुछ बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। देखिएगा, निफ्टी की अगर आप RSI को चेक करेंगे तो निफ्टी अब देखिएगा ओवरबॉट जोन के आसपास पहुंच रही है। तो मैं पहले तो इस लेवल पे जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस लेवल पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाजार इस समय महंगा है। आपको वेट करना चाहिए, आपको अब जब भी पैसा लगाना है तो अब करेक्शन पे ही लगाना है। आप इसमें स्विंग ट्रेड या BTST कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अब यहाँ से निफ्टी बिल्कुल तूफान भर देगा, ऐसा कुछ भी ना सोचें। बहुत अलर्ट रहें, बिगनर्स भी बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल सेंटीमेंट से या फिर डोमेस्टिक सेंटीमेंट से कोई भी अगर न्यूज़ आती है, या फिर आपको जैसे ही देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो स्टॉक मार्केट में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और इस समय महंगे लेवल पर फंसना बिल्कुल भी गलत है मेरे हिसाब से। तो देखिएगा, निफ्टी मैक्सिममली अगर आप देखेंगे तो 70 से 75 के बीच में क्या हो जाती है, ओवरबॉट हो जाती है, वहां से करेक्शन देखने को मिलता है। पिछली बार अगर बात करेंगे तो देखिएगा निफ्टी 60 के आसपास, जनवरी की बात है, देन आफ्टर दैट देखिएगा स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था, फिर देखिएगा एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, देन आपको एक करेक्शन देखने को मिला था। तो देखिएगा, कई सारी चीजें हैं। अगर आप कभी भी पिछले 6 महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए या फिर 1 ईयर का चार्ट उठा के देख लीजिए तो मैक्सिममली जो निफ्टी है वो 70 से 75 के आसपास ओवरबॉट हो जाती है, और देन आफ्टर दैट वहां पर आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है। इस समय निफ्टी का क्या हालचाल है, तो अगर आप देखेंगे तो इस समय निफ्टी आपको देखने को मिल रही है 67 के आसपास। तो देखिएगा, निफ्टी यानी कि क्या था, बाजार काफी महंगा हो चुका है, तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेश बाय करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट मिल रहे हैं, बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स के साथ आप स्विंग ट्रेड या फिर डे टू डे स्ट्रैटेजी या फिर BTST की स्ट्रैटेजी बेस होके इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं, बट ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मत लगाएं, कैश में पैसा रखें, पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते रहें, ये ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें,
क्योंकि अब देखिएगा काफी चीजों को आपको समझना भी है, क्योंकि मार्केट स्टॉक मार्केट देखिएगा इतना आसान नहीं होता, एक वर्टिकल ऑर्डर में बढ़ता नहीं चला जाता। जैसे हमने बताया था ये थोड़ा गिरेगा थोड़ा उठेगा फिर थोड़ा गिरेगा, यही स्टॉक मार्केट की एक खूबी है, यही वोलेटिलिटी में पैसा बनता है। तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अभी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल हैं वो मार्केट को पूरी तरीके से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल लिक्विडिटी के बेसिस पे स्टॉक मार्केट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए कहते हैं अभी कई सारे डेटा डिस्क्लोज होंगे, किस तरीके से क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, आने वाले समय में किस तरीके के क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, आने वाले समय में किस तरीके के कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसीलिए कहता हूं अलर्ट रहिए, खास करके बिगिनर जो अभी एक दो महीने पहले आए हैं मार्केट में, अभी उन्होंने मार्केट का शार्प करेक्शन नहीं देखा है, तो इसीलिए कहता हूं आप अगर अलर्ट होके सजग रह के अगर काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस समय किसी भी तरीके की फ्रेश बाय करके इन्वेस्टमेंट मत करें। अब देखिएगा अगर बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की, तो देखिएगा कल आपको अगर आप देखेंगे तो पहला जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 10960 का, 10960 का ऊपर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी महीनों से आपको पता है कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो 10960 आपको ऊपर के लेवल याद रखने हैं। अगर मान लीजिए देखिएगा यहाँ तक निफ्टी पहुँचती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, और ब्रेकआउट होता है तो एक बुलिश मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। बट अगर निफ्टी यहीं से रिवर्स होती है तो आपको देखिएगा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 10800 का, और दूसरा सपोर्ट आपको याद रखना है 10760 का। तो ये दोनों ही सपोर्ट आपको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करने हैं, इस रेंज में हो सकता है आपको कंसोलिडेशन भी देखने को मिले। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कंसोलिडेशन जब भी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा तो आपको जो टारगेट है इंट्राडे के वो बिल्कुल सही तरीके से हिट होते हुए नहीं दिखेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर देखिएगा अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक में देखिएगा 15% की डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है, और स्टॉक का नाम है आपका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, और काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने। तो देखिएगा अगर मान लीजिए जिस तरीके के HDFC बैंक के रिजल्ट आए हैं, अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, उतने खास तो नहीं देखने को मिल रहे हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो अगर बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है तो NBFC सेक्टर में भी एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो NBFC सेक्टर में भी अगर एक मूवमेंट देखने को मिलता है तो आपको बाय के लेवल्स पे मैं बता देता हूं। तो देखिएगा अगर ये स्टॉक 222 के ऊपर रहता है, यानी कि 220 प्लस रहता है, तो देखिएगा स्टॉक में आपको पहला रेजिस्टेंस बनेगा 225 का, और देन आफ्टर दैट 228 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ऊपर के रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं भूलने हैं, लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने पॉइंट्स मिल जाएं आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है, बहुत ही छोटे पॉइंट्स के लिए अभी आपको देखना है। और अगर मान लीजिए कल करेक्शन आता है या फिर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो आप अगर स्टॉक 220 के नीचे जाता है देन आप इसको 217 के लिए और 215 के लिए आप स्टॉक को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। बट इसमें आपको देखना है कि NBFC और बैंकिंग निफ्टी पे कितना, बैंक निफ्टी पे कितना प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बना के करना है। हम लोग आपको जितने भी टेलीग्राम चैनल पे लाइव अपडेट देते रहते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल डिनाई मत करा करिए। अगर आपसे कहा जाता है कि गैप अप ओपनिंग है अवॉइड करें तो अवॉइड करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में रोज बनेगी। आपका पैसा आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल याद रखें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।